हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, फिजिक्स के बारे में। अगला लेक्चर जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, देखो जो TIR वाला टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो मैं लास्ट में कराऊंगा। अगर आप NCERT के हिसाब से देखो ना, तो NCERT रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ के बाद TIR करा दिया, TIR मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस के बारे में। और जितना कुछ मैं लेंस के बारे में बताऊंगा ना, ये सारा आपने ऑलरेडी कहाँ पढ़ रखा है, क्लास टेंथ के अंदर आपने ये पढ़ रखा है। मैं सारे ऑब्जेक्ट को रखूंगा, सारी इमेजेस बनाऊंगा, ताकि आपका क्या हो ना, देखो बेटा कितना आसान था, हमने मिरर कितने आराम से पढ़ लिया। हमने मिरर पढ़ा, पहले हमने बेसिक पढ़ा मिरर का जो 10वीं क्लास में था, उसके बाद मिरर फॉर्मूला और हमारे पास मिरर फॉर्म मैग्निफिकेशन वगैरह, आसानी से हमारा क्लियर हो गया, सवाल भी हमसे हो गए। उसी प्रकार से हमने रिफ्रैक्शन पहले बेसिक पढ़ा, फिर थोड़ा आगे हमने पढ़ा। उसी प्रकार से पहले मैं लेंस का बेसिक कराऊंगा, बेसिक यानी जो क्लास टेंथ का है। उसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमसे आराम से चैप्टर हो जाएगा, बराबर है? यस यस। तो हमारे पास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 को। देखो बहुत ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे पास जो लेंस है, अगर मैं बोलूं लेंस हमारे पास ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस, एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, बराबर है? एक होता है हमारे पास, ये टॉपिक है हमारा आज का, एक होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस, या पहले मैं कॉन्वेक्स लिख देता हूं। एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारे पास बेटा क्या, कॉनकेव लेंस। एक होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। क्या है कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अंदर? देखो ऐसा होता है ना, ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस निकाला गया है, ये स्फेरिकल लेंसेज से निकाला गया है, स्फेरिकल लेंसेज से। और लेंस और मिरर में एक यही अंतर है कि लेंस को पॉलिश नहीं किया जाता, मिरर को एक साइड से क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। बहुत ध्यान से, हमारे पास ना ऐसा होता है कुछ, मान लो ये रहा, ये। अब इसका ये पार्ट जो है ये। अब मैंने क्या किया है, मैंने इस स्फेरिकल लेंस का हमने दो स्फेरिकल ग्लासेस वगैरह लिए और इनको कंबाइन किया, और कंबाइन इस तरीके से किया कि इतना पार्ट हमने निकाल लिया, और ये जो पार्ट हमने बाहर निकाला इसको हमने क्या बोला, कन्वेक्स लेंस। इसको हमने बोला कन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स क्यों बोला बेटा, याद करो इसमें लाइट कहां पड़ेगी, बाहर सरफेस पे, यहां पे पड़ेगी। और मैंने आपको क्या बताया था, जब लाइट केव पे पड़ती है, कहां पड़ती है, केव पे, तो उसे कहते हैं कॉनकेव। और कन्वेक्स मिरर कैसा था, ऐसा, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा था ना, जब लाइट बाहर सरफेस पे पड़ती है तो उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, और जब लाइट अंदर केव पे पड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव, बराबर है? यस। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अब कॉनकेव लेंस कैसा होता है हमारे पास, कॉनकेव लेंस भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे पास ये एक स्फेरिकल, एक सेकेंड, ये हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल लेंस है, ग्लास है। अब यहां से हमने ये किया, ये ज्यादा बड़ा हो गया ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, देख लेना, ये यहां से हमने इतना सरफेस बाहर निकाल दिया, और ये जो हमारा हमने इतना पार्ट बाहर निकाला, ये देखो ये जो पार्ट हमने बाहर निकाला इसको हमने बोला कॉनकेव लेंस। ये जो पार्ट मैंने बाहर निकाला ना, ये वाला, ये है हमारे पास कॉनकेव बोला इसको हमने, क्या बोला इसको हमने, कॉनकेव लेंस, क्या बोला, कॉनकेव लेंस। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं तो एक सेंटर इसका, देखो इस वाले के लिए सेंटर एक ये हो गया, और एक सेंटर कहां हो गया, ये हो गया, है ना। एक सेंटर मान लो C1 में इसे कह दूं, C2 में इसे कह दूं, इसके लिए सेंटर मान लो C1 ये हो गया और C2 इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया। कोई डाउट नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये स्फेरिकल पार्ट था उसके लिए क्या हो गया, सेंटर हो गया, क्या हो गया, सेंटर, कोई डाउट नहीं।
अब यहां से हमारे पास कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, बहुत ध्यान से, वही सेम हमारे पास वही पुरानी चीजें होगी। हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे और रेज को लाएंगे और देखेंगे इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, समझ रहे हो। अब तुम्हें एक चीज और तुम्हें समझनी है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉर्नर से, ये इसके कॉर्नर्स है, ये इसके क्या है बेटा, कॉर्नर्स। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉर्नर से कैसा होता है, कॉर्नर पे थिन होता है, पतला होता है, कॉर्नर पे कैसा होता है, पतला, और सेंटर पे क्या होता है, थिक होता है, कॉर्नर पे थिन होता है और सेंटर पे क्या होता है, थिक होता है। ये क्या होता है, कॉर्नर पे देखो मोटा है, कॉनकेव लेंस क्या है, देखो ध्यान से देखो, कॉर्नर्स पे क्या है, थिक है, थिक है, तो ये कॉर्नर्स पे थिक है, और ये सेंटर में क्या है, देखो सेंटर में थोड़ा पतला है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे भी एक कहानी है, सेंटर में कैसा है, ये थिन है, ये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास एक है कॉनकेव लेंस और एक हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। एक हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, एक हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस। यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास वही बेटा घिसी पिटी पुरानी बातें आती है, वही हमारे पास घिसी पिटी पुरानी बातें आती है कि अगर ये यहाँ पे क्या है। अच्छा मैं तुम्हें ना वो भी बता दूं अलग अलग तरीके, चलो मैं पहले वो बता देता हूँ, नोट, ये बात आप सभी को पता है बेटा, ये बात आप सभी को पता है कि हमारे पास क्या है, जो ये कॉन्वेक्स लेंस है ऐसा, तो अब देखो क्या है, आज ना मैं ऑप्टिकल सेंटर की बात करूंगा, लेकिन कल जब मैं बात करूंगा ना, कल हम, मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, यस, कल जो हम ना हम आगे की बात करेंगे, पर उससे पहले आज समझो हम डिस्टेंस को कहां से मेजर करें, इस कोने से, इस कोने से। तो लेंस के अंदर हम क्या है ना, मेरी आवाज थोड़ी डल लग रही होगी यार, थोड़ा दवाई वाई खाई अभी, थोड़ा तो हो रहा है, गया इम्यून सिस्टम तो गया मेरा खत्म, दवाई खाई है अभी, इम्यून सिस्टम की तो ऐसी तैसी हो गई है। अब देखो ये कहना चाह रहा हूँ, चौड़ में कह रहा था मैं तुमसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया एक कोना ये, तो डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, तो लेंस के अंदर डिस्टेंस मेजर होंगे ऑप्टिकल सेंटर से, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ ना इधर कोना ना उधर कोना, ऑप्टिकल सेंटर, ओ से सारे डिस्टेंस मेजर होते हैं, हाँ है ना। तो इसके लिए स्फीयर हो गया इधर को सेंटर C1, इसके लिए हो गया इधर को सेंटर C2, बराबर है, और यहाँ पे कहीं पे आता है एक फोकस F1 और यहाँ पे कहीं पे आता है एक फोकस F2। बेटा वो मिरर में होता है कि रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ या फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, लेंस में ऐसा नहीं होता, लेंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। लेंस में क्या होता है वो हमने आगे देखना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और ये वही फोकल लेंथ हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सबको पता है ये बात, तो इसके लिए भी जो नोट है वो यही है, वो यही है कि क्या है हमारे पास, हमारे पास हमारे पास हमारे पास क्या ही, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, इधर हो गया मान लो F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम इनके पहले रूल्स देखेंगे, इनके क्या देखेंगे, रूल्स कन्वेक्स के और कनकेव के रूल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग इनके क्या देखेंगे, डायग्राम्स देखेंगे, क्या देखेंगे, डायग्राम, क्लियर है, हाँ या ना। अच्छा अगर मैं तुम्हें एक और चीज बोलूं, अगर मैं टाइप्स की बात करूं ना, तो बहुत अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, लेंस होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी हमने कॉन्वेक्स लेंस को भी कई भागों में बांट रखा है, ऐसे कोई टाइप नहीं है, ऐसा कोई टाइप नहीं है, पर जब वो आपको न्यूमेरिकल देगा ना, तो वो बोलेगा बाई कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, क्या क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, यस यस यस। देखो अगर तुम्हें वो ऐसे बोले, पहला अगर मान, ऐसे बहुत सारे तरीके के आप बना सकते हो, एक तो हो गया ये, एक तो हो गया ये, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसे कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी बाई कॉन्वेक्स,
बाई कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि जितना ये लेंस इधर वाला हिस्सा है उतना ही इधर वाला हिस्सा भी है, बराबर है ना। बाई कॉन्वेक्स का मतलब है दोनों का रेडियस जो है, दोनों का डायमीटर जो है वो सेम है, क्लियर है। ये हो गया बाई कॉन्वेक्स। तो भैया ऐसे तो फिर सेम इसमें भी आ जाएगा, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, यस टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस, कि हमारे पास ये हो जाएगा एक तो कि दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस क्या है सेम है, ये क्या हो जाएगा बाई कॉनकेव लेंस, दोनों का रेडियस वगैरह क्या है सेम है। एक होता है कि एक साइड से कॉन्वेक्स है और एक साइड से प्लेन है, उदाहरण के तौर पे ऐसा मान लो एक साइड से प्लेन कॉन्वेक्स है और एक साइड से क्या है प्लेन है, इसे कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन और कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। वो आपको जब ना आगे सवाल देगा तो सवालों में वो बोलेगा प्लेनो कॉन्वेक्स है, कनकेवो कॉन्वेक्स है क्या, तो ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब तुम कहोगे भैया ये तो इसमें भी हो सकता है, यस बिल्कुल, ये हमारे पास है मान लो ये कनकेव का हिस्सा, आप इसको इधर भी बना सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये प्लेन हो गया इधर, बराबर है। पर बेटा प्रॉपर्टी वही होनी चाहिए, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है कॉर्नर में अभी भी पतला है, सेंटर में अभी भी मोटा है, और जो कनकेव है वो सेंटर में अभी भी पतला है और कॉर्नर में क्या है मोटा है, बराबर है, यस। इसे कहेंगे प्लेनो प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है हमारे पास, एक अगला हमारे पास है कि मान लो ऐसा है कि एक साइड तो कॉनकेव है ये, अब यार जब मैंने पहली बार इस लेंस को देखा तो मैं सोचता यार ये है क्या यार, ये तो चांद लग रहा है ना ऐसे, चांद भैया चांद तो वो है, अरे वो तो है ही, देखो मैं कहना चाह रहा हूं ये है क्या। अब क्या है ना, अगर तुम थोड़ा सा नोटिस करो, थोड़ा सा नोटिस करो, तो ये बाहर वाला ऐसा हिस्सा और एक हिस्सा ये है यार। अब यार ये कैसा है यार, अगर मैं इस पहले वाले हिस्से की बात करूं, सबसे पहले वाला हिस्सा ऐसा है, जो ये जो हिस्सा ऐसा है यार, पहला हिस्सा तो ऐसा सिर्फ कनकेव का ही होता है, पहला हिस्सा कॉन्वेक्स का पहला वाला पार्ट तो ऐसा होता है, कॉनकेव का पहला वाला पार्ट तो ऐसा होता है, कनकेव का पहले वाला पार्ट कैसा होता है ऐसा होता है ना, ये वाला आगे वाला हिस्सा ऐसा ऐसा केव की तरह, लाइट कहां पड़ रही है केव पे, लाइट कहां पड़ रही है केव पे, तो ये तो कॉनकेव है। अगर बेटा पहले वाला हिस्सा ऐसा होता और तो फिर मैं ये कहता कॉन्वेक्स है, लेकिन पहले लाइट कहां पड़ रही है केव पे, तो ये तो कनकेव है, और दूसरा वाला हिस्सा कनकेव का ऐसा नहीं होता, दूसरा वाला हिस्सा तो कन्वेक्स का होता है ऐसा, कनकेव का दूसरा वाला हिस्सा तो ऐसा होता है, बात समझ आ रही, उसमें केव बनती है, यानी पहले में बन रही है केव और दूसरे में केव नहीं बन रही है, तो यानी पहला कनकेव और दूसरा कन्वेक्स है। तो भैया इसे मेन क्या बोला जाए, असल में किसका टाइप है, ये इसका टाइप है कन्वेक्स का। अच्छा भैया क्यों टाइप है, इसमें कनकेव भी है कन्वेक्स भी है, तो ये कनकेव का कन्वेक्स का टाइप क्यों है, ये कन्वेक्स का इसलिए टाइप है, ये कन्वेक्स का इसलिए टाइप है कि आप नाम देखो बच्चा, कन्वेक्स क्या होता है कॉर्नर में पतला होता है सेंटर में मोटा होता है, ये कॉर्नर में पतला है सेंटर में मोटा है, इसलिए ये मेन कन्वेक्स का टाइप है, और इसका नाम होगा कन्वेक्स लेंस, तो ये है ही लेकिन इसके अंदर क्या भी है कनकेव, तो इसका नाम होता है कनकेवो कन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा तो भैया ऐसे तो फिर इसमें भी हो जाएगा, हाँ ऐसे तो सब ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें और अगला जो मैं बनाने जा रहा हूं, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है बेटा, देखो जैसे ये है। अब ये क्या है,
इसमें और इसमें क्या ही अंतर है यार भैया? ना अंतर है, ये कॉर्नर में पतला है, सेंटर में मोटा है, इसलिए कॉन्वेक्स का पार्ट है। ये कॉर्नर में मोटा है और सेंटर में पतला है। ये मैंने उल्टा बोल दिया क्या? ये कॉर्नर में पतला है, सेंटर में मोटा है, इसलिए कॉन्वेक्स है। ये कॉर्नर में मोटा है और सेंटर में पतला है, इसलिए क्या है? कनकेव है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कोई डाउट नहीं होना चाहिए वैसे, क्लियर है? तो ये था इसका बेसिक्स। अब आगे बढ़ रहे हैं, फटाफट नोट कर लो। तो बेटा बात कर रहे हैं हम रूल्स की। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, अगला क्या है हमारे पास, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगला क्या है हमारे पास, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास क्या है, रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, रूल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके जो कॉन्वेक्स लेंस के जो रूल्स है, वो कॉन्वेक्स के रूल्स क्या है, देखो ये हमारे पास ना कॉन्वेक्स लेंस है, रूल नंबर वन है ये। ये इसका सेंटर हो गया, मान लो इसका फोकस हो गया F1, ये हो गया इसका सेंटर C1, इधर हो गया F2, इधर हो गया C2, कोई डाउट नहीं। पहला रूल ये कहता है हम ये बीच में हो गया ऑप्टिकल सेंटर, रूल सारे सेम है, जो मिरर के थे वही रूल्स किसके भी है बेटा, लेंस के भी है। बहुत सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं। देखो पहला रूल ये कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट बेटा पैरेलल जा रही है तो वो क्या होगी, फोकस पे टकराएगी। बस बेटा उसमें और इसमें अंतर क्या है, उसमें जो था ना उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, इसमें रिफ्रैक्ट होगी। उसमें लाइट एक सरफेस पर टकरा के मुड़ जा रही थी, इसमें क्या होगा, लाइट सरफेस पर टकराएगी और आर पार जाएगी, इसमें रिफ्रैक्शन होगा। उसमें क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। सेकंड रूल हमारे पास है ये कॉन्वेक्स लेंस, हमारे पास है ये कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे पास F2, ये हमारे पास C2, ये है हमारे पास F1, ये हमारे पास C1। सेकंड हमारे पास ये कहता है, सेकंड हमारे पास ये कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गई, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो लेंस पे टकराने के बाद वो कैसे निकलेगी, पैरेलल। कैसे निकलेगी, पैरेलल। लेंस पे टकराने के बाद वो कैसे निकलेगी, पैरेलल। बराबर है? यस यस। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका F2, ये हो गया C2, ये हो गया F1, ये हो गया C1, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। बराबर है? तो ये तीन रूल है बेटा, जो तीनों रूल आपको पता होने चाहिए, आपको ये तीनों रूल क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। बराबर है? कोई डाउट? आपको ये तीनों रूल क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्लियर है? यस। ये रूल थे किसके, कॉन्वेक्स के। अगर मैं बात करूं बेटा कनकेव के रूल्स की, किसकी बात करूं, कनकेव के रूल्स की, तो रूल्स ऑफ कॉनकेव लेंस, रूल्स ऑफ कॉनकेव। तो कॉनकेव के रूल्स क्या है, कॉनकेव के रूल्स भी सेम है पहला, बस बेटा कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कंफ्यूज मत हो ना, वहां कन्वर्जिंग बोलते थे कनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स है हाँ, वहां कन्वर्जिंग बोलते थे कनकेव मिरर को। इनका काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, लाइट को समेटना, लाइट को समेटना। कनकेव लेंस को हम क्या भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। बेटा वहां पे ना जो काम मिरर में कनकेव का था, वहां ये लेंस में कन्वेक्स का है। वहां जो काम कन्वेक्स मिरर का था वो यहाँ पे किसका है, कनकेव लेंस का है। क्लियर है? यस। तो पहला क्या है, पहला डायग्राम ऐसा बनेगा इसका,
बराबर है, ये हमारे पास है। अच्छा, ये रूल्स आ क्यों रहे, कैसे आ रहे, ये हमने अगली क्लास में देखना है ना। अगली क्लास में मैं आपको रिफ्लेक्शन बताऊंगा कि सरफेसेस से कैसे होता है। ये सारा मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कल समझने में आसानी हो। कल मैं ये बताऊंगा कि ये ऑप्टिकल सेंटर से क्यों डिस्टेंस मापा जा रहा है, P1 P2 क्या है ना, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, बराबर है। यस, पहला रूल क्या कहता है, अगर ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये अगर इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, इधर हो गया मेरे पास क्या F1, इधर हो गया मेरे पास क्या C1, इधर हो गया मेरे पास क्या F2, इधर हो गया मेरे पास C2। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, वो इस तरीके से बेंट होगी, वो इस तरीके से, ये क्या करेगा, डाइवर्स, ये क्या कर रहा था, कन्वर्स, कन्वेक्स क्या कर रहा था, कन्वर्स, ये करता है डाइवर्स, ये लाइट को फैलाएगा, और इस तरीके से फैलाएगा कि अगर उस लाइट का पीछे का पाथ लाया जाए तो वो कहां टकराएगी, फोकस पे, कहां टकराएगी, फोकस पे, बराबर है। लाइट फोकस पे ही टकरा रही है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है तो टकराएगी तो वो फोकस पे, चाहे वो डायरेक्ट टकराए, चाहे वो उसका पाथ पीछे लाके टकराए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। सेकंड रूल क्या कहता है, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर बेटा, ये क्या है F1, ये क्या है C1, ये क्या है F2 और ये क्या है C2। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है कि फोकस से जा रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है कि फोकस से जा रही है, देखो इसमें क्या हो रहा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही थी, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से जा रही थी, फोकस से, तो वो यहां से पैरेलल हो जा रही थी, यहां से क्या हो जा रही थी, पैरेलल, यहां से क्या हो जा रही थी, पैरेलल। तो यहां पे क्या है ना, यहां पे क्या है, रूल सेम ही लगेगा, रूल क्या लगेगा, सेम लगेगा, रूल क्या लगेगा, सेम लगेगा कि रे ऑफ लाइट ना अगर फोकस से जाएगी, देखो कंफ्यूज मत होना, इसके डायग्राम मैं दो ही रूल से बना दूंगा, इसके डायग्राम, देखो रूल बताने के लिए एक दो और आ जाते हैं, पर इसके डायग्राम ना दो रूल से बन जाएंगे, इसके अगर आप रखना चाहो तीन रूल्स याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आप सिंपल दो रूल याद रखो कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो सीधा निकल जाएगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही तो वो क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसके डायग्राम ही दो बनने हैं, एक तो इन्फिनिटी पे और एक कहां पे, एनीवेयर एट लेफ्ट साइड, हाँ या ना, यस, और इसके छह बनने हैं। तो बेटा बात को समझो, जो वहां पे कनकेव मिरर का काम था, यहाँ पे वो कन्वेक्स लेंस वैसा ही लगभग लगभग वैसा काम करेगा, डायग्राम्स भी वैसे बनेंगे, और वहां पे जो कन्वेक्स मिरर का काम था, यहाँ पे कनकेव लेंस का काम है, और डायग्राम भी वैसे ही वैसे बनेंगे लगभग लगभग। क्लियर है? तो अब हम डायग्राम बनाना स्टार्ट करें, फटाफट पहले इसको नोट कर लो, शाबाश। तो भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायग्राम से, अगर आपको डायग्राम आता है तो मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, कॉपी के पीछे बनने पे जाओ, सबसे पहले कन्वेक्स के लिए छह डायग्राम बना के दिखाओ, कन्वेक्स के लिए छह डायग्राम बना के दिखाओ, अगर आपसे बन जाएगा इसका मतलब ठीक है, आपको आ रहा है, आपको आती है चीजें, है ना। डायग्राम्स, वीडियो चला दी मैंने, यस यस, डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस के डायग्राम, कन्वेक्स लेंस के डायग्राम। पहला डायग्राम देखो, हमारे पास आपको पता है क्या करना है, लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट को लेंस के पास 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 ले जाना है, और इमेज को क्या करना है, एग्जामिन करना है। देखो बहुत ध्यान से, देखो पहला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है,
बराबर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास F1, ये क्या हो गया हमारे पास C1, ये हो गया हमारे पास F2, ये हो गया हमारे पास C2, क्लियर है? ये हो गया F1 C1 F2 C2। अगर पहले ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है, इंफिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, आप सभी भली भांति जानते हो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रे ऑफ लाइट कहां सीधा पैरेलल आती है, तो यहां से पैरेलल रेज कहां टकराएगी बेटा, फोकस पे। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है तो वो कहां बेंड करेगी, फोकस पे। और जहां पे दो लाइटें टकराती है इमेज वहीं बनती है, इमेज कहां बनती है, वहीं बनती है। तो यहां पे क्या है बेटा, चार चीजें, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है एट इंफिनिटी। सेकंड चीज बेटा पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है, जहां पे दो लाइटें टकराती है इमेज वहीं बनती है, तो दो लाइटें कहां टकरा रही है, फोकस पे, तो एट एफ टू, एट एफ टू बोल सकते हो आप, और इस वाले फोकस पे बन रही है बेटा, हाँ या ना, यस। अब देखो तीसरा, अगर मैं बात करूं साइज ऑफ इमेज की, तो इमेज का साइज क्या है बेटा, इमेज का साइज हमारे पास क्या है, आपको पता है ना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे और इमेज फोकस पे बन रही है, देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे और इमेज फोकस पे बनती है, और साइज कैसा होता है, पॉइंट साइज, ये तो बात आपको पता है, तो साइज क्या होगा, पॉइंट साइज। और चौथा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बेटा, लाइट सच में टकरा रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है? ये सारा आपको पढ़ रखा था आपने ऑलरेडी। अगला सेकंड डायग्राम, वैसे चाहूं तो मैं छह के छह बना दूं यहीं पे, चलो नहीं ज्यादा बिचम बिचा हो जाएगी ना, बराबर है, यस। अब अगला क्या हमारे पास, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है एफ वन, ये क्या है एफ टू, ये क्या है एफ सॉरी सी टू सी वन, ये क्या है एफ टू और ये क्या है सी टू, क्लियर है, यस। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, अब मैं ऑब्जेक्ट को रखने जा रहा हूं बियॉन्ड सी वन, बियॉन्ड सी वन। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास बेटा, तो यहां से ए बी ऑब्जेक्ट है और लाइट आ रही है सीधा, पहली रे ऑफ लाइट तो सीधी आएगी, ये कहां टकराएगी, फोकस पे, तो ये टकरा गई फोकस पे। अब दूसरी रे ऑफ लाइट कहां टकराएगी बेटा, पहला और तीसरा नियम लगाओ हो जाएगा। तीसरा नियम कहता है लाइट को सीधा ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, तो अगर तुम लाइट को सीधा ऑप्टिकल सेंटर से भेज रहे हो तो तुम यहां देख पा रहे हो कि इमेज जो है वो यहां बन रही है, इमेज ये बन रही है बेटा, सेंटर पे नहीं बन रही, सेंटर से इधर बन रही है, तो ये क्या है ए डैश और ये क्या है बी डैश। तो बेटा अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर के, देखो आप ऑब्जेक्ट को पास ले जाओगे इमेज ऐसे ऐसे करके दूर होगी और साइज बड़ा करते करते, बराबर है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वही चार चीजें, पहली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा था बियॉन्ड सी टू, बियॉन्ड सी वन, बियॉन्ड सी वन। सेकेंड पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है बिटवीन एफ टू और सी टू के बीच में बनेगी ना इमेज, बिटवीन एफ टू एंड सी टू। अगर मैं तीसरी बात करूं साइज की, साइज ऑफ इमेज, तो इमेज का साइज कैसा रहेगा बेटा, स्मॉल, इमेज का साइज कैसा आएगा, स्मॉल, स्केल लेके बनाओगे स्मॉल ही आएगा, टेंशन नहीं लेना। और चौथा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, अगर लाइट सच में टकरा रही है, अगर लाइट सच में टकरा रही है तो नेचर कैसा होगा, रियल, और रियल कैसी होती है इन्वर्टेड, देखो उल्टी है, ऑब्जेक्ट सीधा रखा है लेकिन इमेज कैसी बनी, उल्टी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ये चार चीजें हमने ऑलरेडी लिख दी है, बराबर है, यस यस यस। तीसरा डायग्राम बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है बेटा, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, ये कनकेव मिरर है हमारे पास, क्या है कनकेव मिरर, ध्यान से, कन्वेक्स सॉरी, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। अब इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या है, इस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या है, ये मैंने रखा, ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F2, ये हो गया C2,
ये हो गया F1 और ये हो गया C1। अगर ऑप्टिकल सेंटर पे सॉरी ऑब्जेक्ट को मैं C1 पे रखूं, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके पास लाएंगे, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया C1 पे, तो पहली रे ऑफ लाइट क्या जाएगी बेटा? पैरेलल। तो पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल गई। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही तो वो कहां टकराएगी बेटा? फोकस पे। तो वो टकरा गई फोकस पे। हाँ है ना? यस। दूसरी रे ऑफ लाइट कहां जाएगी बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से। एडजस्ट कर लो यार। ये हो गया C2। तो ये हो गया मेरे पास इमेज ए डैश और ये क्या हो गया बी डैश, बराबर है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा था हमने? और एरो बनाना मत भूलना बेटा। हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? ऑब्जेक्ट हमारा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है बेटा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है कहां पे? एट C1, एट C1। और सेकेंड पोजिशन ऑफ इमेज कहां है? इमेज कहां बन रही है? एट C2, एट C2। अच्छा साइज ऑफ इमेज क्या है बेटा? इमेज का साइज है इक्वल। साइज क्या आता है? सेम। ये तीसरे वाला केस। अरे यार कोशिश करो ना, आगे के डायग्राम्स खुद बनाओ ना यार, बनाओ तो सही, बन जाएंगे यार। चल रहा है ये? यस। तो साइज ऑफ इमेज क्या है बेटा? सेम साइज, सेम साइज। और चौथा बेटा नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? क्या लाइट सच में टकरा रही है? यस, लाइट सच में टकरा रही है। तो ये क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा बेटा क्योंकि ये 10वीं का है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको आगे की चीजें समझ में आए। आगे जब मैं कोई रूल लगाऊं, कोई डायग्राम बनाऊं तो आपको समझ में आए। जब मैं आपको माइक्रोस्कोप पे बताऊं कि लाइट पैरेलल जाएगी, फोकस से टकराएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, तो आपको समझ में आए उस टाइम पे, है ना? इसलिए करा रहा हूं ये, बराबर है? यस। और अगला डायग्राम बेटा, फोर्थ। हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट को अब हम सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? बेटा ये हमारे पास है, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये है C1, ये है F2, ये है C2। अब ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है F1 और C1 के बीच में, F1 और C1 के बीच में। तो पहली रे ऑफ लाइट ये हो गया AB ऑब्जेक्ट, पहली रे ऑफ लाइट गई सीधे। अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधे जाती तो कहां टकराएगी? फोकस पे। ये टकरा गई फोकस पे। और दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से गई? ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां कहीं टकराई, और जहां पे दो लाइटें टकराती है इमेज वही बनती है। तो लाइट टकराई यहां पे, तो ये हो गया ए डैश बी डैश। तो इमेज कहां बन गई बेटा? यहां पे। हाँ है ना? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं पहली वही चार चीजें, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा है इस बार? बिटवीन C1 एंड F1, बिटवीन C1 एंड F1। सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड C2, बियॉन्ड C2, C2 के परे बन रही है, उधर को बन रही है। हाँ है ना? यस, बियॉन्ड C2। तीसरा साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है बेटा? लार्ज है। इमेज का साइज क्या है? लार्ज है, लार्ज। चौथा नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है बेटा? इमेज का जो नेचर है वो कैसा है? इमेज का जो नेचर है, क्या इमेज सच में बन रही है? नहीं, उल्टी है। उल्टी यानी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड यानी रियल। तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्या तुम्हें ये समझ में आई बातें? यस यस यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है चार डायग्राम। अगले में दो बनाने जा रहा हूं, पहले आप लोग ये बना लो। मुझे उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि आप लोगों ने वो दो डायग्राम भी ऑलरेडी बना लिए हैं, बराबर है। फटाफट इसको एक बार नोट कर लो। 5 4 3 2 1। रफ कर दूं इस वाले को? यस। Thank you.
है ना। ठीक है बेटा, अगला हमारे पास क्या है, दो डायग्राम रह रहे हैं बेटा, पांचवा, तो ये फिफ्थ है बेटा। अब फिफ्थ डायग्राम क्या है, अब हम ऑब्जेक्ट को देखो बेटा, हो क्या रहा है, हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ले जा रहे हैं और इमेज जो है वो दूर 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 जा रही है और अपना साइज बड़ा करते करते जा रही है। तो जो फिफ्थ डायग्राम है, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। आपको ये बहुत बार बता रखा है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे बनती है पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है, उल्टा होता है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी पॉइंट साइज, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे और बहुत बड़ी, वेरी लार्ज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, पांचवा डायग्राम, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया क्या F1, ये हो गया मान लो C1, ये हो गया F2, ये हो गया हमारे पास क्या C2, कोई डाउट नहीं, हाँ है ना, यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, हमने C1 F1 के बीच में रख दिया है, अब मैं रखने जा रहा हूं F1 पे, कहां रखने जा रहा हूं F1 पे, और अगर पहली रे ऑफ लाइट में कैसे भेज रहा हूं पैरेलल, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये है ए बी ऑब्जेक्ट, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती तो वो कहां टकराएगी, फोकस पे, तो ये टकरा गई फोकस पे, कहां टकरा गई फोकस पे, ये टकरा गई रे ऑफ लाइट कहां पे, फोकस पे, अगर ये फोकस पे टकरा गई है तो दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये भेजी मैंने ऑप्टिकल सेंटर से, और अगर तुम ध्यान दे पा रहे हो तो दोनों रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है, ये दोनों रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहला ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट एट फोकस एट F1, एट F1 ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एट F1, क्लियर है, यस। सेकेंड पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, तो इमेज बन रही है बेटा एट इंफिनिटी। तीसरा साइज ऑफ इमेज, जो इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा, वेरी लार्ज, जो इमेज का साइज होगा वो कैसा होगा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। और चौथा जो नेचर ऑफ इमेज होगी, इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा बेटा, क्या इमेज उल्टी है, उल्टी है तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है तो रियल, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ये, और अब हमारे पास है छठा केस, अब हमारे पास क्या है छठा केस, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, छठा केस हमारे पास ये है कि ये हमारे पास लेंस है, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1, ये F2 मतलब C1, ये हो गया हमारे पास F2 और ये हो गया हमारे पास C2, क्लियर है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखने जा रहे हैं बेटा, अब हम रखने जा रहे हैं F1 और O के बीच में, तो पहली रे ऑफ लाइट ये हो गया ए बी ऑब्जेक्ट, पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी और अगर ये पैरेलल जाएगी तो ये कहां टकराएगी बेटा, ये टकराएगी फोकस पे, अगर ये पैरेलल जाएगी तो कहां टकराएगी, फोकस पे, कोई डाउट नहीं। अब दूसरी रे ऑफ लाइट को मैंने कहां भेजा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये दो रे ऑफ लाइट तो कभी मिल नहीं पाएंगी, ये दो रे ऑफ लाइट तो कभी मिल नहीं पाएंगी, तो इनका पाथ क्या ले जाना पड़ेगा बेटा, इनका पाथ ले जाना पड़ेगा पीछे, इनका पाथ हमें ले जाना पड़ेगा पीछे, इसका पाथ हमें ले जाना पड़ेगा कहां पे, पीछे। तो ये दो लाइटें टकरा रही है यहां पे, यहां कहीं पे,
तो ये यहां जहां पे भी लाइटें टकराएगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो ये ए डैश और ये क्या हो गया बी डैश, ये हो गया हमारे पास ए डैश और ये क्या हो गया हमारे पास बी डैश। क्लियर है बेटा? यस यस, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास चार चीजें वही विजिबिलिटी, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां रखा था ऑब्जेक्ट बेटा, बिटवीन एफ वन एंड ओ, बिटवीन एफ वन एंड ओ। अगली सेकेंड चीज बेटा पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनेगी। अब आप ये मत बोलना कि इमेज सी और एफ के बीच में बननी है, नहीं 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 नहीं, आप बोलो एनी वेयर एट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में कहीं पे भी इमेज बन सकती है, बराबर है, एनी वेयर एट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस कहीं पे भी बन सकती है। अब अगला क्या हमारे पास तीसरा, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज क्या है बड़ी है, तो लार्ज। अगला है नेचर, नेचर ऑफ इमेज। अब बेटा क्या लाइट सच में टकरा रही है, नहीं, तो कैसी इमेज है वर्चुअल, और देखो वर्चुअल इमेज कैसी होती है सीधी, तो ये क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई, क्या तुम्हें ये छह डायग्राम समझ में आए, तुम्हें ऑलरेडी आते भी होंगे तो आपका हल्का हल्का क्या हो गया चीजें रिवाइज हो गई, बराबर है। यस यस यस। अब मैं अगला कहने जा रहा हूं कनकेव के बारे में, कनकेव के जो डायग्राम्स है हमारे पास बेटा, देखो जो हमारे पास कनकेव मिरर के डायग्राम है, डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर, मिरर कह रहा हूं सॉरी लेंस, बराबर है। देखो तो ये डायग्राम्स क्या है, रूल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए, इसके दो ही बनेंगे जैसे कन्वेक्स के बनते थे, कन्वेक्स मिरर के वीडियो चल रही है, यस, जैसे कन्वेक्स मिरर के बनते थे वैसे ही कनकेव लेंस के भी दो बनेंगे। पहला पहला वही ऑब्जेक्ट कहां होगा, इंफिनिटी पे, तो ये हमारे पास क्या है लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये क्या हो गया F1, ये क्या हो गया C1, ये हो गया F2 और ये क्या हो गया C2, बराबर है। यस यस यस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट अगर मैंने इन्फिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट अगर मैंने कहां रखा है इन्फिनिटी पे, तो अगर मेरा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो ये रहा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, ये रे ऑफ लाइट क्या होगा बेटा इस तरीके से डाइवर्ज होगी, आपको पता है ना ये कन्वेक्स है, ये लाइट कनकेव है, ये लाइट रेस को क्या करेगा डाइवर्ज, ये लाइट रेस को इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि इनका पीछे का पाथ कहां पे आ जाए फोकस पे, ये लाइट रे ऐसे जाएगी, हाँ है ना, अब एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है तो कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन इमेज बन रही है, इसका मतलब इसका पाथ कहां लाना पड़ेगा पीछे, बराबर है। यस यस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर ही बनेगी, क्लियर है, इसमें तो नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, संदेह करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो पहला बेटा पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है एट इन्फिनिटी, सेकेंड बेटा इम्पोजिशन ऑफ इमेज एट F1, लेकिन इस बार कहां बन रही है इस वाले फोकस पे, इसका मतलब पता है क्या है, जो कनकेव होता है ना, जो कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स के लिए फोकस इधर वाला होता है, क्योंकि लाइट रे जब पैरेलल जाती है जिस बिंदु पे टकराती है उसको फोकस कहते हैं, इसके लिए फोकस इधर वाला है, लेकिन इसके लिए फोकस इधर वाला होता है, बात समझ आ रही है। यस यस, देखो दूसरा डायग्राम देखो बेटा, ऐसा ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट ना करने का रीजन ये था, आज ये मैंने ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं आज, इसको कल भी पढ़ाना ही था आज भी पढ़ाना ही था, लेकिन इसको क्या है ना, इसमें क्या है कि आपने को ऑलरेडी आता था, तो इतना ना यार मतलब इतना मेरे को एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि टीआईआर जो है ना वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो अच्छा टॉपिक है यार,
उसके लिए ना पूरा एकदम माइंड आपका एकदम जगह पे होना चाहिए। मैं कुछ अभी मैं पता है क्या है, मैं पूरे लेक्चर में एक भी जगह चिल्लाया नहीं हूँ, क्योंकि चिल्लाऊंगा खांसी आ जाएगी, हाँ है ना, बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो ना कराने का रीजन था TIR, क्योंकि उसके लिए ना एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा। तो इसीलिए मैंने वहां पे अभी ये वो टॉपिक पढ़ाया जो आपको ऑलरेडी आता था, आपको ऑलरेडी आता था, क्योंकि इसको परसों भी पढ़ाना ही था और आज भी पढ़ाना ही था। तो मैंने कहा आज ही पढ़ा देता हूँ यार, कि मतलब उतना ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, है ना, आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, और आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो एट एफ वन है ना। तीसरा, पोजिशन सॉरी साइज ऑफ इमेज। इमेज का साइज क्या बेटा, अगर इमेज फोकस से बन रही है तो पॉइंट साइज होगा, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, पॉइंट साइज। और चौथा, नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर कैसा है बेटा, क्या लाइट सच में टकरा रही है, नहीं तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बराबर है, यस यस। तो ये हो गया हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अगला हमारा क्या है, दूसरा, हाँ है ना, यस। अगला क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स, कॉनकेव सॉरी, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ टू, ये क्या है सी टू, ये क्या है एफ वन, ये क्या है सी वन। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब आपको क्या करना है, लाइट रेस को आप कहीं से भी ले आइए, पहला लेफ्ट साइड में आप कहीं भी रख दो, आपने लेट सपोज यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, आप कहीं भी रख दो, ये हो गया ए बी, आप कहीं भी रख दो लेफ्ट साइड में, इमेज वहीं बनेगी। पहली रे ऑफ लाइट कैसे गई, पैरेलल। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती तो कहां टकराएगी, ऐसे बेंड होगी कि उसका पीछे का पाथ कहां जाए, फोकस पे। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कैसे जाएगी, पैरेलल। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाती तो कैसे जाएगी, पैरेलल। अब ये दो लाइटें तो कभी आपस में टकराएगी नहीं, एक इधर जा रही है एक इधर, लेकिन इमेज बन रही है, इसका मतलब इसको पाथ कहां लाना पड़ेगा, पीछे। ये रहा, तो लाइट यहां टकरा रही है, तो ये हो गया ए डैश और ये क्या हो गया बी डैश। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें हमारा आप कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को, इमेज यहीं बनेगी एफ वन और ओ के बीच में, एफ वन और ओ के बीच में। तो बेटा इसके लिए जो चार चीजें, पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एट इंफिनिटी, एट सॉरी एनीवेयर, एनीवेयर एट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां 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 यहां, इमेज हमेशा कहां बनेगी एफ वन और ओ के बीच में। सेकेंड, पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन एफ वन एंड ओ। इसका मतलब क्या है, पहला अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस से बनेगी, उसके अलावा तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, इमेज एफ वन और ओ के बीच में ही बनेगी। तीसरा, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है, हमेशा छोटा आएगा कन्वेक्स कॉनकेव के अंदर, स्मॉल। और इसका नेचर कैसा होगा, चौथा, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट चल रहा है ये, यस वर्चुअल एंड इरेक्ट, कोई डाउट इसमें नहीं, क्लियर है, हाँ है ना। तो मैंने आपको बता दिया ये छह डायग्राम, मैंने आपको कॉनकेव के बता, कन्वेक्स के बता दिए, ये दो डायग्राम मैंने आपको कॉनकेव के बता दिए। अब इसके बाद क्या, हमारा डायग्राम वाला पार्ट तो हो जाता है खत्म, डायग्राम वाला पार्ट क्या हो जाता है खत्म। अब क्या है ना, अब TIR जो होगा वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का उसका। अब आगे क्या है इसके अंदर, अब ये जो मैंने आपको बता दिया, ये सारा आज मैंने आपको बता दिया, ये था दसवीं वाला। अब ग्यारहवीं क्लास में आपको और थोड़ा सा डेप्थ में आपको पढ़ाई जाएगी चीजें, कि कैसे लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही तो क्या हो रहा है, क्यों हम इसको ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं और लाइट को ऐसे ला रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, अरे मेरी बात समझ में आ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये सारी चीजें, ये इधर P1 पोल, इसमें पोल क्यों नहीं है, पोल आएगा अगली क्लास में, हम ये देखेंगे कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो कैसे कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। बहुत सिंपल लेक्चर है, बहुत सिंपल है। प्लीज बेटा आप ना बस क्या करो, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से लिख के प्रैक्टिस करो, एक बार रफ में, एक बार नोट्स में प्रैक्टिस भी कर लो, और उसके बाद क्या, आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, आपको ये चैप्टर लाख गुना आसान लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिज्म वगैरह से, बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर।
और लग भी रहा होगा मुझे उम्मीद है आपसे, है ना। तो कुछ नहीं करना साला चैप्टर के अंदर, ठीक है ना, आसान है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज का आपका जो होमवर्क है, संडे को टेस्ट है आपका, ऑलरेडी आपको बता दिया है। आज का आपका जो होमवर्क है, होमवर्क ये है आपका, ऐसा करो असाइनमेंट के ना, असाइनमेंट के इस चैप्टर के शुरू के 15 सवाल कर लो, इस चैप्टर के असाइनमेंट के शुरू के 15 सवाल कर लो, क्लियर है। और बेटा देख मेरी बात सुन, ये तो होमवर्क तो करंट कर रहा है, क्या तू रिवीजन कर रहा है पुरानी, क्या तू रिवीजन कर रहा है पुरानी, पुराना रिवाइज कर रहा है, चैप्टर 1 को उठा के, 2 को उठा के, 3 को उठा के, 4, 5, 6, 7 इन पुराने चैप्टर्स को उठा के रिवाइज कर रहा है, नहीं ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा आगे, है ना। तो रिवाइज कर, रिवाइज के लिए मैं होमवर्क नहीं, रिवाइज के लिए तो खुद करना पड़ेगा, क्लियर है। ओके बाय बेटा, टेक केयर, और अपना पढ़ो 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 पढ़ो, ओके बाय बच्चे।